दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ जो कि एनडीए गठबंधन दोनों आपस में जोर आजमाइश चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से अभी सभी नेताओं को लग गया कि इंडिया गठबंधन मजबूत चल रहा है, उसी को मद्देनजर 6 महीने के अंदर 40 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर, बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जिस तरह से माहौल बनता हुआ इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का लगातार पार्टी से होता मोहभंग सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं रहा कि जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा है। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश के लगातार दौरा कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकों और दौरे जारी रखे हुए हैं। वहीं सूबे के असंतुष्टों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है। इसके बावजूद पार्टी छोड़कर बीजेपी नेताओं का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इसमें ताजा नाम जो है कि नर्मदापुरम, पहले जो कि होशंगाबाद इलाके के कद्दावर नेता और दो बार के भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा का हाल यही है। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले गिरिजा शंकर शर्मा भाजपा के स्थानीय विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर सीता शरण शर्मा के सगे भाई हैं। तो लगातार आपको बता दें कि गिरिजा शंकर ने पार्टी छोड़ने के पीछे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अनदेखी का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 साल से अधिक समय में पार्टी उनकी उपेक्षा करती रही, संगठन में नए लोग आ गए हैं और नए लोग पुराने लोगों को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे पुराने नेताओं को जो है कि पूछ परख नहीं की जा रही है और संगठन में कोई सुनने वाला नहीं है। गिरिजा शंकर शर्मा ही नहीं, बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस चुनावी साल में पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी से अब तक करीब 40 छोटे बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। आदिवासी नेता पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी और सेवड़ा के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, जनसंघ के संस्थापक सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी तो दोस्तों बहुत लंबी फेरलिस्ट है। तो एकदम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ी झटका, मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर माहौल देख लिया, सर्वे देख लिया। माहौल इंडिया गठबंधन का जिस तरह से एक तरफा बन गया है, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज एक जैसे एक मुश्त हो रहा, वैसे वैसे नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी दलित पिछड़े जो नेता है वो साथ छोड़ के सीधा जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ आ रहे हैं। तो 6 महीने के अंदर 40 से ज्यादा नेताओं ने, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया को तो माहौल बनाना है भारतीय जनता पार्टी का। तो बहुत बड़ी अपडेट है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।